अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसई लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप कोई डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करना चाहते हैं तो आप प्रिंट कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, कंट्रोल ए कर लेंगे तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स हमारा सेलेक्ट हो गया। उसके बाद हम फाइल में जाएंगे। जैसे हम फाइल टैब में जाएंगे, यहाँ पे हमें प्रिंटर की ऑप्शन शो होगी, हम प्रिंटर की ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे। तो ये वो डॉक्यूमेंट है जो मैं वहाँ से सेलेक्ट करके आया था। वो प्रीव्यू के अंदर मुझे दिखा भी रहा है कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो आपने सेलेक्ट किया हुआ, जो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको जूम की ऑप्शन आ गया, आप इसे जूम भी कर सकते हैं, जूम करके अपने डॉक्यूमेंट्स को है जो है वो यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या है, उसके अलावा यहाँ पे आपको पेज नंबर आ रहा है कि आपके पास कितने सिलेक्टेड पेज हैं। दो पेज हम जिनको प्रिंट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आपके पास प्रिंट आ रहा है। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास आ रहा है कितनी कॉपीज निकालना चाहते हैं, एक कॉपी निकालना चाहते हैं, दो कॉपी, तीन कॉपी निकालना चाहते हैं। नीचे आपके पास प्रिंटर की टाइप्स आ रही हैं, जिस भी टाइप्स को आप सिलेक्ट करेंगे उस टाइप के अंदर जाके वो जो है प्रिंट दे देगा। वैसे तो ये सारी चीज़ें डिटेल के अंदर हम डिस्कस करके आए हैं एक्सेल के अंदर, सेम वही फंक्शन है। यहाँ पे सेटिंग्स आ रही हैं, ठीक है, आप जो है उसकी सेटिंग्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे वही जो हम वहाँ पर डिस्कस करके आए थे, सिंगुलर और सिंगुलर के डिफरेंस को, ठीक है जी, ओनली प्रिंट ऑन वन साइड, एक साइड पर प्रिंट करना चाहते हैं, ये वहाँ पर वो आ रहा है। ये आप पहले 1, 2, 3 पेज करना चाहते हैं, ये वो वाली ऑप्शन है। और नीचे वाली ऑप्शन क्या थी, सिर्फ 1-1 पेज पहले आए, फिर 2-2 पेज आए, जितनी भी आप कॉपीज रखेंगे। लेट्स सपोज अगर मैंने यहाँ पर जो है 5 कॉपीज रखी हैं, तो पहले अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो पहले पहला पेज जो है वो 5 दफ़ा आएगा, फिर दूसरा पेज 5 दफ़ा आएगा। लेकिन अगर मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ तो पहला पेज आएगा, फिर दूसरा पेज आएगा, फिर पहला पेज आएगा, फिर दूसरा पेज आएगा। तो इस सीक्वेंस के अंदर प्रिंटिंग होगी। उसके बाद यहाँ पे क्या है, आपके पास साइज है, A4 साइज पे लाना चाहते हो, जिस भी साइज के बाद आपके पास जो है वो मार्जिन हैं। ये वही मार्जिन है जिसको हम डिटेल के अंदर डिस्कस करके आ चुके थे कि आपको साइडों पर कितना मार्जिन चाहिए, नॉर्मल है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे हैं, जिसको भी आप सिलेक्ट करना चाहेंगे उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या है, 1 पेज पर शीट, एक पेज एक शीट पे निकले, या एक शीट पे 2 पेज निकले, जो आपकी शीट है जिस पर आप प्रिंट करना चाहते हैं उस पर 3 निकले, 4 निकले, 8 निकले, 16 निकले, जो भी आप निकालना चाहते हैं उसको आप सेट कर देंगे यहाँ से, और उस ऑप्शन को आप ओके कर देंगे तो आपकी जो प्रिंटर पे प्रिंटिंग है वो आ जाएगी।